भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेक इन इंडिया स्टोरी सो एक लार्ज कैप स्टॉक जो काफी पोटेंशियल uh, दिखा रहा है यहां पर uh, so उसी के बारे में बात करेंगे क्वार्टर फोर एफ आई ट्वेंटी थ्री के रिजल्ट आ चुके हैं नवरत्न कंपनी है ये तो उन रिजल्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एंड ओवरऑल वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी फ्रॉम द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे है इसके उसके बारे में सो क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट आए हैं रिजल्ट अगर रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं तो ईयर ऑन ईयर इतने ज्यादा इंप्रेसिव रिवेन्यू के नंबर्स यहां पर हमें नहीं दिखे है सो uh, सिक्स so थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन करोड़ रुपीज का रिवेन्यू रहा है लास्ट क्वार्टर का और दो परसेंट से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है रिवेन्यू की विच इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बात करता हूं तो सिक्स फिफ्टी सिक्स परसेंट से रेवेन्यू ग्रो हुआ है अब अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास्ट रिकॉर्ड्स uh, देखोगे क्वार्टरली uh, रिजल्ट्स के तो मार्च इज ऑलवेज अ गुड क्वार्टर फॉर दिस कंपनी फिर मैं वो मार्च 2020 की बात करूं या फिर मार्च 2021 मार्च 2022 या फिर मार्च 2023 अदरवाइज बाकी के क्वार्टर्स आर नॉट दैट इम्प्रेसिव सो मार्च क्वार्टर इज ऑलवेज वेरी इंप्रेसिव So, एक टिपिकल ईयर एंडिंग का जो एक कल्चर है सेल्स का आ, या फिर डिलीवरी का आ, तो वो यहां पे भी हमें काफी ज्यादा दिखता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सो so रुपीज एटीन हंड्रेड एंड एट करोड़ रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है इस कंपनी का फॉर क्वार्टर फोर Uh, जो ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है सिक्सटीन परसेंट से इट मींस ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे काफी अच्छी बड़ी है ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ यानी कि रेवेन्यू की ग्रोथ दो परसेंट की है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो यहां सोलह परसेंट की है सो इट शोज दैट कि मार्जिन जो है वो यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं ट्वेंटी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है कंपनी का Uh, इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर सेम ईयर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं सो दैट मार्जिन वाज अराउंड 25 परसेंट सो डेफिनेटली ऑलमोस्ट 300 बेसिस uh, पॉइंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का यहाँ पे इंप्रूवमेंट uh, हमें दिख रहा है वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रहा है मार्जिनस uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा मार्जिनस भी कंपनी ने एक बार दिए थे दैट वॉज इन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्वार्टर द मार्जिन वॉज मोर देन ट्वेंटी नाइन परसेंट इन दैट पर्टिकुलर क्वार्टर सो टॉप टू में आ रहा है ये मार्जिन अगर हम देखते हैं क्वार्टर्स uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहां पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट के भी नंबर्स यहां पे थोड़ा सा देखते हैं सो नेट प्रॉफिट नंबर इज एट थर्टीन हंड्रेड एंड एटी टू करोड़ रुपीज तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट इज अप बाय ट्वेंटी परसेंट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नेट प्रॉफिट इज अप बाय वन ट्वेंटी फाइव परसेंट सो मैंने जैसे बोला सिक्वेंशियल ग्रोथ यहां देखने में ज्यादा पॉइंट नहीं है बिकॉज ऑलवेज मार्च क्वार्टर इज वेरी गुड कंपेयर टू डिसम्बर क्वार्टर एंड बिलीव मी जून इज गोइंग टू बी द वर्स्ट क्वार्टर अगेन सो एवरी टाइम मतलब वर्स्ट क्वार्टर्स अगर कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल uh, ईयर में हम देखते हैं इस कंपनी का तो वो हमेशा जून क्वार्टर ही रहता है सो so वो एक टिपिकल नया साल शुरू है आराम से करेंगे चीज़ें ऐसा इस टाइप का वो क्वार्टर होता है सो so उस एंगल से लेट्सियल क्वार्टर ग्रोथ ज्यादा नहीं देखेंगे तो भी यहां पे चलेगा सो so 20% परसेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सो आई थिंक ये जो मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम्स वगैरह है तो यहां से भी इंसेंटिवाइजेशन की वजह से टैक्सेशन यहां कम हुआ है दैट्स वाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन 16 परसेंट ईयर ऑन ईयर बट नेट प्रॉफिट इज 20 परसेंट सो इफेक्टिवली जो टैक्स uh, दिया है इस बार कंपनी ने फॉर दिस क्वार्टर इज 23 परसेंट विजा वीज जून क्वार्टर में टैक्स दिया था 29 परसेंट का uh, सेप्टेंबर क्वार्टर में टैक्स दिया था ट्वेंटी परसेंट का डिसंबर क्वार्टर में टैक्स दिया था ट्वेंटी का बट मार्च क्वार्टर में इफेक्टिव टैक्स जो दिया है कंपनी ने कॉरपोरेट टैक्स की अगर हम बात करते हैं सो दैट नंबर इज एट ट्वेंटी दैट्स वाई प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट जो ग्रो हुआ है वह ट्वेंटी परसेंट से ग्रो है कंपेयर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ सिक्सटीन परसेंट ईयर ऑन ईयर अब कुछ ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करते हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की तो ऑर्डर बुक जो एग्जीक्यूशन है बहुत ही हेल्दी रहा है इस क्वार्टर में दैट्स वाई इतने अच्छे रेवेन्यू के नंबर्स और इतने अच्छे मार्जिनस के नंबर हम देख रहे हैं मार्च क्वार्टर का मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बता दिया था हमेशा इस कंपनी का जो मार्च क्वार्टर है वो बहुत इंप्रेसिव रहा है दो लास्ट ईयर जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था फॉर एफ रेवेन्यू का गाइडेंस दैट वॉज एट एटीन थाउजेंड करोड़ रुपीज

बट स्टिल थोड़ा बहुत मिस है इट्स ओके मार्केट ने उसको कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं दैट्स दे आज स्टॉक भी काफी पॉजिटिवली परफॉर्म uh, कर रहा है एफ आई ट्वेंटी थ्री का ऑर्डर इनफ्लो अगर आप देखते हो सो दैट नंबर इज एट ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड करोड़ रुपीज लास्ट ईयर के कंपेरिजन में दिस इज अब बाई सिक्स परसेंट नॉट वेरी इंप्रेसिव ऑर्डर ग्रोथ बट स्टिल आई थिंक स्टडी है बिकॉज जो टोटल ऑर्डर uh, उनके पास बुक ऑलरेडी है रिसीव्ड Uh, जो करेंटली स्टैंड करती है दैट इज एट सिक्सटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड नाइनटी करोड़ रुपीज तो यहां पे ईयरली जो रेवेन्यू है कंपनी का दैट इज लास्ट ईयर का है मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का ज अराउंड सेवनटीन थाउजेंड सेवन थर्टी फोर करोड़ रुपीज का लास्ट तीन साल का अगर ग्रोथ हम देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ सो दैट इज अराउंड इलेवन परसेंट हमें यहाँ पे दिखता है तो उस एंगल से अगर आप देखोगे तीन साढ़े तीन साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी सीधा सीधा यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें नजर आ रहा है सो इट्स इट इज गुड एंड वी हैव सीन दैट की ऑपरेशनल एफिशियंसी इंप्रूव करने की कोशिश कंपनी की हमेशा रहती है सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मतलब मैं अगर दो तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह Uh, तक के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखू कंपनी के सो दे रेंज बिटवीन 11 परसेंट टू अराउंड 19 परसेंट बट नाउ आई थिंक स्टेडीली दे हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सो इट्स अ गुड थिंग ओवरऑल अगर आप देखते हो तो सो uh, so पूरे साल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है इस कंपनी का फॉर एफ आई ट्वेंटी थ्री दैट इज अराउंड ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑब्वियसली लास्ट क्वार्टर बिकॉज ऑफ हाई ऑर्डर एग्जीक्यूशन सो वो मार्जिन जो है वो uh, काफी अच्छे दिखे हमें अब एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बिकॉज मेक इन इंडिया डेफिनेटली मतलब डोमेस्टिक कंजम्पन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही बट इवन एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे डेवलप हो रही है एंड वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया है सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग तो उसमें इवन uh, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज प्लेइंग इट्स स्मॉल रोल सो एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग एफ आई ट्वेंटी थ्री वर एट फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर्स इसको अगर रुपीज में हम कन्वर्ट करते हैं सो दैट नंबर इज रुपीज थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी टू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट्स uh, में दैट इज अराउंड फोर्टी परसेंट विच इज़ गुड सो आपकी जो सेल्स ग्रोथ है उसको यहाँ पे रेवेन्यू uh, ग्रोथ को काफ़ी अच्छी तरीके से बीट करता हुआ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर ये पर्टिकुलर एक्सपोर्ट uh, का यूनिट दे हैव एक्वायर्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आल्सो ड्यूरिंग एफ आई ट्वेंटी थ्री और ऑर्डर्स कितने उन्होंने uh, मिले हैं उनको सो दैट इज अराउंड सेवेंटी मिलियन डॉलर्स तो 620 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स उनको यहाँ पे uh, इस uh, इस बार मिले हैं दैट इज ऑल्सो मीन्स क्वाइट पॉजिटिव नंबर सो आप अगर ईयरली सेल्स देखते हो कंपनी के तो सेवनटीन थाउजेंड सेवन थर्टी फाइव करोड़ रुपीज़ के हैं इस साल ऑर्डर कितने मिले हैं बीस हजार करोड़ के सो so, उसके कंपेरिजन में uh, जो uh, इनका एक्सपोर्ट का सेल रहा है इस बार एक्सपोर्ट्स रहे दैट इज़ एट थ्री सेवेंटी टू करोड़ रुपीज़ उसके कंपेरिजन में ऑलमोस्ट वन एंड वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट एट टाइम्स की ऑर्डर बुक उनको मिली है सो इट शोज दैट की Uh, the export uh, thing is uh, working really well. फॉर दिस कंपनी ओवरऑल अगर आप देखते हो so debt -to -equity ratio zero so सो डेट इक्विटी रेशियो जीरो है कंपनी का सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं सो दैट नंबर इज एट थर्टी परसेंट प्लस आर ओई की बात अगर हम करते हैं तो दैट नंबर इज ऑल्सो एट ट्वेंटी टू पॉइंट एट परसेंट सो रिटर्न रेशियोज आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द कंपनी डिविडेंट इज अराउंड थ्री पॉइंट फोर परसेंट सिक्सटी पैसे का डिविडेंट इन्होंने अभी डिक्लेयर किया है uh, ये जो रिजल्ट आया उसके बाद बाकी स्टॉक के वैल्यूएशन की परस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म एवरेजेस अगर हम देखेंगे कंपनी के तो उसके कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशन कंपनी को मिल रहा है सो इट इज़ ऑल अबाउट कि किस टाइप का ग्रोथ कंपनी दे पाएगा आई विल नॉट से दैट पी रेशियो दो का मिलेगा इस कंपनी को बींग अ पी एस कंपनी तो उस एंगल से एक थोड़ा सा मार्केट uh, में प्रीमियम वैल्यूएशन देने के लिए थोड़ी हिचकिचाहट हमेशा रहती है सो करेंटली द वैल्यूशन्स आर ट्रेडिंग अबव द लॉन्ग टर्म एवरेजेस ऑफ 10 इयर्स की भी बात करता हूँ सो so, 21 का प्राइस टर्निंग रेशो है 10 इयर्स का मीडियम पी सो उसके काफ़ी ऊपर है 5 साल का मीडियम पी इज एट एटीन टाइम्स उससे भी ये काफ़ी ऊपर uh, अभी ट्रेड कर रहा है Uh, अगर तीन साल का मीडियम पी ई रेशियो भी मैं देखता हूं कंपनी का दैट इज एट अराउंड ट्वेंटी वन टाइम्स तो उसके कंपैरिजन में भी यहां वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव या प्रीमियम नज़र आ रहे हैं एक जो शिफ्ट हुआ है फोकस मेक इन इंडिया का या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट्स का तो उसी का प्रीमियम इस कंपनी को मिला है सो so, पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो कहीं अगर डिसअपॉइंटमेंट आती है रिजल्ट्स में तो डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है स्टॉक में बट अगर अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन द एक्विजिशन शुड नॉट बी लमसम ऐसा मुझे लगता है बाकी आप आपके एडवाइजर को पूछ के ही अपने वो कॉल लेनी चाहिए बट एक रेगुलर ट्रैक के लिए रडार पे रखने के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा है ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है सो so आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा सो so अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन में कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ वन ऑन वन सेशन भी बुक कर सकते हो हमारे रिलेशनशिप सेल से कॉन्टैक्ट कीजिएगा इन्वेस्ट पे सारे डिटेल्स हमारे रिलेशनशिप सेल के कॉन्टैक्ट के अवेलेबल है और अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करने हैं तो इन्वेस्ट संध्या डॉट इन को विजिट कीजिए रेडीमेड पोर्टफोलियोज है वो तो उनको अगर आप सब्सक्राइब करोगे यज्ञ यह प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना 30 परसेंट का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा और प्लस एक फ्री ई लर्निंग कोर्स भी आपको मिल जाएगा तो आशा करूंगा आप जरूर इन्वेस्ट संध्या डॉट इन को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे ऐसे वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद